वेलकम टू माय चैनल मेडियली लाइफस्टाइल। कैसे आप सब? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। रेस्ट किया, खाना पीना खाया, शुक्र अल्लाह का मैं ठीक हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी, असर मगरिब इशा पढ़ के ही आएँगे। आज मेरे जोहर की नमाज़ घर पर पढ़ी थी, अज़ान पढ़ के आ गई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अब मैं फ्रेश हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसे हैं? और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजम प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हम भी यहाँ पे अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हैं। और हम लोग जा रहे हैं दोबारा हरम शरीफ, रोज़ा मुबारक पे, और दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इधर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और हम लोग जा रहे हैं और जाके फिर आपको से ज्यारत करवाते हैं। हाँ, जब जब जाती मैं तो लाजिम ज़्यारत करती हूँ। सबसे पहले जैसे मैं करती हूँ, मेरी नज़र पड़ती है, वैसे आप लोग भी मेरे साथ साथ ज़्यारत किया करें मस्जिद नबवी में जाके। और मैं आप सब की तरफ से सलाम पेश करती हूँ। मैं जाके मिलती हूँ, यहाँ ट्रैफिक बहुत है जी। हम लोग पहुँच गए हैं मस्जिद नबवी में, हार्डली 5 से 6 मिनट लगे हैं हमें। क्यों? क्योंकि रास्ते में रश नहीं था, लोग नहीं थे, और जो रास्ते में दुकानें शिकाने लगाई होती है ना, उसकी वजह से लोग रास्ते में रुक रुक के आते हैं। आज कुछ भी नहीं था, हम जल्दी जल्दी से बस सीधा पहुँच गए हैं। अब आप लोग को ज़्यारत कराती हूँ मैं, और सब एक बार दूसरी पढ़ लें और मेरे साथ साथ आप लोग भी ज़्यारत करें। धूप बहुत तेज़ है लेकिन ठंडी हवा भी ऐसा साथ जी। कहाँ? किधर? एक मिनट देखना दो मुझे, पकड़ना मैं देख के वीडियो। वहाँ किसी औरत की तबीयत ख़राब हो गई, वो नीचे लिटाया हुआ था, मेडिकल की पता नहीं क्या, उसका बीपी लो था, तो मैं उन्हें देखने के लिए गई थी। अब हम पहुँच गए बिल्कुल क्लियरली, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीउल्लाह। मेरे सब देखने वालों की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप लोग सब ज़्यारत करें, बहुत तेज़ हवा चल रही है कि ना फ़ोन भी नहीं मुझसे ना ऐसे मुझसे मारा जा रहा। सफाई हो रही है इस हिस्से की, यहाँ पे औरतों का आना ना ममनू है। ऊपर से घूम के वो अपने वाले औरतों की साइड पे जाती हैं। अब सब अपनी अपनी जगह रख लेंगे, असर के लिए पहले ही जमा हो जाएंगे सब। चले, अब अदनान का आ गया है, अदनान अंदर जा रहे हैं और मैं अपनी वाली साइड पे जा रही हूँ। हाँ जी, हम लोग नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। अदनान ने अब सर्च किया था फ़ोन पे कि कोई यहाँ पे फ्रेम बना हुआ है और उसमें पिक्चर लेते हैं, पीछे से पूरा मस्जिद नबवी का पूरा व्यू आता है। तो अब हम लोग आ गए, पीछे आप लोग को नज़र आ रही है मस्जिद नबवी है, रोज़ा मुबारक है, और ये सामने ओहद के पहाड़ है, और ये फ्रेम है जहाँ के ऑलरेडी इतना रश है, पता नहीं। एक मिनट रुक ही करती हूँ ना इस दिन ये। हाँ, और ये आई थिंक ये फ्रेम है जिधर खड़े होकर सब पिक्चर्स लेते हैं, और फोटोग्राफर्स भी हैं, दो हैं। सारे जी चलते जाते हैं, आप लोग भी देखें साथ साथ। कबूतर जो ये जहाँ पे देखो दाना डाला है। हाँ, लेकिन कबूतर नहीं है इस टाइम पे। ये पुराना फ्रेम है, वो नहीं है। चलो हमें जहाँ पे भी जगह मिल जाए। ज़बरदस्त, लोग अपने बच्चों को खड़ा करके ना पिक्चर उतरवा रहे। आई थिंक वो देखे नान पीछे कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ये देखे। और गुड, हम भी लेते हैं, जब सारे ले रहे हैं तो फिर हम भी लेते हैं पिक्चर। इस वाले में नहीं आएगी? नहीं, इन्होंने तो कहा था यहाँ पे कोई फोटोग्राफर्स भी हैं। अच्छा, पर मुझे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, सब अपने अपने फ़ोन से ही ले रहे हैं। टैक्सीज़, मज़े की बात है, जब
से हम लोग इधर आए हैं ना, हमने एक बार भी टैक्सी यूज़ नहीं की। अपनी सेल्फ सर्विस पे हम चल रहे हैं दोनों। चलने का ही फायदा है। हाँ, जिसने भी आना अच्छे से खा पी के खूब मेहनत करके आए, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ता है। पहले हम आए थे तब इतना चलना नहीं पड़ता था, अब तो इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। आप लोग की सोच है, साथ अपने मसाज मशीन वगैरह ज़रूर लेकर आए। हाँ, फोटोग्राफर है ना यहाँ पे। चलो देखते हैं, पकड़े मैं जाके ज़रा जल्दी से जगह बताऊँ। आप तो बता रही नहीं, मैंने तो नहीं किया। मदिया इतनी स्पीड में कभी कहीं और नहीं भागी होगी जितनी यहाँ पे भाग रही है। अब आपने मेरी पिक्चर ऐसे भी लेनी है और ऐसे भी लेनी है, जबरदस्त यही ली है बस। एक आधी सही आई है, कुछ ब्लैक कुछ रोशनी की वजह से। अब ये यहाँ पे ना इन्होंने ना बनाया हुआ है फूड कोर्ट टाइप, अफगानिस्तान फूड, अजवा आइसक्रीम, ट्रेसिस ऑफ मदीना, टर्किश फूड। हाँ जी, देख के लेना, आज ये मुझे अच्छा लगा। मदीना गुडनेस, मलेशियन स्टेशनरी, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ ये सारी ना इन्होंने फूड्स की बनाई है। इंडोनेशियन चाइनीज़ फूड भी है, जलेबियाँ भी है दान यहाँ पे। स्टेशनरी से कुछ देखे छोटे छोटे बच्चों के लिए। वैसे ना मुझे कहीं नहीं जाने देना आप, शॉपिंग वाली जहाँ जगह आती है ना वहाँ से खींच के लेते हैं। वो देखे, वो भी है पाकिस्तानी, वो भी सब रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। चाइनीज में क्या है? चाइनीज में रोल्स है, रोल्स और पकौड़े वो नहीं होते उस टाइप से। हाय हाय, ठंडे कब से उसे फ्राई करके रखे हुए हैं। मुनाफा नहीं आपने खिलाया मुझे। चले ठीक है, वहीं पे बैठ के खा लेंगे। वो शॉप्स है सारी और ये फूड कोर्ट टाइप बनाया हुआ, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा। सामने व्यू बड़ा प्यारा है। हाँ, ब्यूटीफुल। इतनी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना सर पे, बहुत मज़े का ऐसे डबल 334 गेट नंबर से हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे फूड कोर्ट और ये पिक्चर व्यू वगैरह सब कुछ मिला है। अब ये देखिए कहाँ से क्या लेना है, देख के फिर आपको करते हैं। मिला जहाँ पे हमें पहली दफ़ा आज कुछ चना अंडा वगैरह मिला, क्योंकि हम चिकन चिकन खा के तब भी इनके पास सारा हर तरह का पाकिस्तानी खाना है। अदनान की खुशी की इंतहा। आज मुझे पहले ही कह रही थी कि कोई मैंने सब्जी चना वगैरह खाना है। चलो जी, कैसा है मज़े का? चलो जी शुरू करते हैं। पिछले लोगों ने खाना खा लिया, सच में इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया इस रेस्टोरेंट से खाना खाया हमने, अतबाग पाकिस्तानी। ये इधर से जहाँ हमने सेल्फी ली है ना, पिक्चर्स ली हैं, ये इधर ही बना हुआ है, बिल्कुल पहला रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे हर तरह का चिकन ये वो सब कुछ है पाकिस्तानी स्टाइल में। लेकिन हमने लिया चना अंडा, हमें देख के कितने लोगों ने हमसे पूछ पूछ के, हाँ फूड स्ट्रीट बनी, हमसे पूछा दान से कान में, हाँ कैसे है कैसे, हमने कहा बहुत मज़े के है। तो अगर हाली सिंपल चना लेता है तो वो 10 रियाल का, और अंडा चना लो तो 13 रियाल का। टेस्टी बहुत है, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर में बैठ के खा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। हाँ ज़बरदस्त। चले अब हम तो पहली दफ़ा आए हैं ना इस साइड पे, ईशा के बाद दोबारा आएंगे। इधर समोसे भी मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है पाकिस्तान में। हाँ इसी साइड पे पढ़ लेते हैं ना नमाज के, वापस हम इधर ही आ सकें। अभी मगरिब होने में टाइम है ना, पौना घंटा है। वो उन्होंने ना वो भी लगाई हुई है, क्या है ये साइकिल्स है, क्रीम की साइकिल्स हैं, जो मतलब कि नमाज के बाद हम लगाए। अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं? ऐसी बोतल सही है जी, देख लें। इतर ले रहे हैं कुछ, ये पापा के लिए और अपने लिए, भाई के लिए। पसंद करें कौन सी लेंगे। 6 ml में ये भी सही है, ठीक है। Yes.
आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ से। लाइटिंग हो गई है, इशा की नमाज़ पढ़ के अब हम लोग आए हैं, तो अब पता चल रहा है। अब मैं आपको पूरी फूड स्ट्रीट दिखाती हूँ, ज़बरदस्त सा व्यू आ रहा है। लाइटिंग ऑन हो गई है ना इसीलिए। हाँ मैंने दिखा दी यार, यहाँ से दिखा दिया मैंने। हाँ अब लाइटिंग ऑन हो गई है जी, कैमरामैन एक्टिव हो गए हैं जी। यहाँ 15 रियाल की एक पिक्चर उतारते हैं और वो करके देते हैं, प्रिंट करके देते हैं 15 रियाल की। लेकिन है प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं। तस्वीर उतरवाई है लेकिन आंखें बंद थी, उसने इस तरह ही उतार दी बस हमारी पिक्चर। फ्री में यही मिलता है। आ जाओ बस यहाँ पे, हम लोग भी देखते हैं हमारी होती है कि नहीं होती है। एक ये फ्रेम है, एक वो स्क्वायर फ्रेम है, एक ये ट्रायंगल फ्रेम है। अब आएगी सही यार वीडियो। हाँ सही वाले लेवल के जो शिष्टे हैं ना वो यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखे जबरदस्त कैंडल लाइट, वो क्या कहते हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक वाइब दिया। बस सर्दी सुर्दी है कोई नहीं, बस उसके लिए देखें आग भी लगाई है इन्होंने इसमें। सुबह में व्यू इतना मज़े का नहीं था, लेकिन ना रात में व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत कमाल का है किस्म से। ये देखें मज़ा आ रहा है। जिसने भी आना हो ना इशा के बाद आओ, व्यू देखने वाला है। सुबह में लाइट वैसी ही होती है, नेचुरल लाइट होती है, तो उसमें मज़ा नहीं आता देखने का। हमने उस टाइम पिक्चर्स वगैरह जो बनाई थी ना, इतनी मज़े की नहीं थी, अब सही बन रही है। वो देखो अब उसकी लाइट भी ऑन है ना फ्रॉम मदीना। नहीं मैं आपको बता रही हूँ, किधर जाना, बाहर बैठेंगे अब, बाहर जगह बना के बैठ जाते, ये जगह खाली है सामने। वो आंटी बैठी हुई है, वो देखें फ्रॉम मदीना टू द वर्ल्ड। ओके ये देखें लाइटिंग में नज़र नहीं आ रहा, एक साइड पे इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, एक साइड पे इन्होंने अरेबिक में लिखा है। और ये सब रेस्टोरेंट्स हैं। अब देखते हैं, इस टाइम दोपहर में हमने रोटी खाई थी, अब देखते हैं क्या खाते हैं, लेके खाना फिर मैं दिखाती हूँ हमने क्या लिया। हम जब से आए थे हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, पिज़्ज़ा अब ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा। इतना हमने लिया अपनी मर्जी का, पता नहीं क्या इसके अरेबिक शॉप का नेम है, अल्मोड़ा कचौड़ी से लिया आपने। अल्मोड़ा कचौड़ी, अल्मोड़ा देखो अगर है, पूरा फुल है, बाहर हमें स्पेस नहीं मिलनी, बाहर पूरा फुल है, अंदर ही बैठ के खा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। चले जी आप पहले एक बाइट लें, बताएं कैसा है, देन मैं स्टार्ट करूँगी। अरे उसे कहें तो ठंडा करके देता, उससे कहें तो ठंडा करके देता, बिस्मिल्लाह करके खाएं, बिस्मिल्लाह। क्या है पता ना, टेस्टी। अच्छा जी नान ने कह दी टेस्टी है। पानी लिया हमने, पेप्सी नहीं क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, और चीज़ी चीज़ी पिज़्ज़ा है, अब पता नहीं मज़े का है। चले जी नान ने प्रूव कर दिया तो बस ठीक है, फिर अब मैं भी खाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया खाना, यहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, आप लोग यहाँ आ सकते हैं, बड़े मज़े मज़े के खाने हैं, और बहुत अच्छा सा माहौल है यहाँ का ना, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, सामने ही आपको ज़ियारत के लिए नज़र आ जाता है मस्जिद नबवी, बहुत मज़े का है। अब हम देख रहे हैं स्वीडिश के लिए कोई, वो क्या कहते हैं उसे, कनाफा, वो अभी हमने देखा था पहले सुबह में, अब पता नहीं कहाँ पे है, अगर नज़र आ गया तो वो लेके हम लोग फिर जाएंगे घर। अब टैक्सी पे जाएंगे हाँ, क्योंकि अब हम अपने होटल से बहुत दूर आ गए हैं, बहुत दूर है। भाई के पास गया था हमने दुबई में, अब हम ये कनाफा हमने ले लिया अपना 3 पीस वाला, और अब यहाँ बैठ के खाना है कि घर जाए खाना, घर जाके चाय के साथ पहले टेस्ट करना है। इधर आ जाओ। चले जी अदनान टेस्ट करने लग गया, अब टेस्ट करके बताएंगे। वो कह रहे पहले तुम्हें मिस कर रहा हूँ मैं, भाई मिस कर करके खा रहा हूँ। ये तो खुशक है खुशक ना करो, फिर से खा कर देखो
खाली सेवियाँ ही हैं। खाली सेवियाँ ट्राई करो। क्या खा रही हो? पहली दफ़ा खा रही है? पहली दफ़ा नहीं खा रही, दुबई में भी खाया, सऊदीया में पहली दफ़ा खा रही। यार मेरा स्पून पकड़ लेना उसे। आज तो बैठ जाओ। नहीं यार कपड़े खराब होने, पहले इतनी मेहनत तो उसे मैंने। ये क्रीम वाला ऐसा तो हमने खाया ही नहीं है। अच्छा, ये ले। अच्छा जी, यहाँ पे हम करेंगे अपने ब्लॉग का एंड। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।